स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री वाले पार्ट को, ठीक है ना, जो अपना एक कंटिन्यूएशन वाला पार्ट था उस पार्ट को अपन वापस कंटिन्यू करते हैं। तो ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे अपन, ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ रहे, और हम उन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर लिख रहे थे जिनमें मतलब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं होगा, हमने उन मॉलिक्यूल्स को लिखा था, ठीक है ना, राइट। हमने उन मॉलिक्यूल्स को लिखा था जिनमें अपन ने क्या किया था, ऐसा ऊपर करता हूँ, ठीक है। तो अपन ने उन मॉलिक्यूल्स को लिखा था जिनमें मतलब वी नो दैट, राइट। तो अपन वीडियो ऑन करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी मैंने काफी सारा चेंजेस कर दिया है तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। तो अपन वीडियो ऑन कर भी सकते हैं, और अगर करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अपन ने चेंजेस कर लिए, अपन को फर्क नहीं पड़ेगा, राइट ना। और काफी चीजें जो होती हैं, राइट, तो अपन शुरू कर सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस चेंजेस करके, और मुझे मतलब काफी चीजें, क्योंकि अब कोई वैसे भी इंटर करेगा तो अपन को पता चल जाएगा, राइट। तो लेट अस हैव, AB3 टाइप में सेकेंड रहता है, थर्ड स्ट्रक्चर AB3 टाइप में सेकेंड 2D रहता है या 3D स्ट्रक्चर रहता है, 2D रहता है ना। तो अपन लिख लेते हैं उसको, तो AB4 टाइप की बात कर रहे थे अपन, तो AB4 टाइप से डिस्कस करते हैं अपन। तो टुडे आई थिंक इट इज, अपन ने AB टाइप लिखा था, AB2 टाइप लिखा था, है ना। वन इज AB टाइप, AB2 टाइप्स, फिर AB3 टाइप, और AB4 टाइप अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। AB4 हमने लिखा था, दैट इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लिखा था अपन ने, और टेट्राहेड्रल मैंने आपको समझाया था, टेट्राहेड्रल क्या होता है, जिसमें फोर फेसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। एंड द बॉन्ड एंगल इज, उसमें अपन ने बॉन्ड एंगल क्या लिखा था, द बॉन्ड एंगल इज 109.28 मिनट्स, ये एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल था जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होता है, ये आपका एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल था टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए, राइट। अब अपन आज चेक करेंगे, दैट इज राइट ना, अपन ने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी बनाया था, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, ए था हमारे पास, और इसमें मैंने आपको थोड़ा सा वेज डैश के बारे में भी बताया था कि वेज वो होता है जो अपनी तरफ होता है, डैश वो होता है जो पीछे की तरफ होगा। ये दोनों बॉन्ड जो होंगे दे आर इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, ये दोनों बॉन्ड, और ये दोनों बॉन्ड, एक बॉन्ड पीछे की तरफ होगा, एक बॉन्ड आगे की तरफ होगा, वो वेज और डैश, ये बॉन्ड से अपने सीखा, ठीक है ना। और सभी में ये बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109.28 मिनट्स होता है। आपने मुझे लास्ट टाइम आंसर भी बताया था कि नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स विच आर 109.28 मिनट्स इन दैट मॉलिक्यूल इज 6, ये आपने मुझे बताया था। दूसरा अपन लिखते हैं, दैट इज AB5 टाइप मॉलिक्यूल, ए सेंट्रल एटम है और अदर एटम 5 होंगे, देयर विल बी नो लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। अभी मैंने आपसे कहा सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं होगा, तो इसमें अपन लिखेंगे, ठीक है भाई, इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड मतलब ए और बी, तो अपन कहेंगे भाई ए के अराउंड हमें 5B को अरेंज करना होता है। अगर ए के अराउंड 5B को अरेंज करना होता है तो उस केस में हमें इसको ऐसे अरेंज रखना होता है, यहां पर 2B रखेंगे अपन, और 1B अपन इधर रखेंगे, 1B अपन इधर रखेंगे, और 1B अपन इधर रखेंगे। जो बॉन्ड लाइन ऐसे बना हुआ है अपन को पता है, वो बोर्ड के प्लेन में बताते हो आप, ये हमारी तरफ है और ये हमसे दूर है, मतलब 5B एटम्स ऐसे होंगे। तो ये 5B एटम्स ऐसे होंगे, तो इनको आप एक बार बता दीजिए तो अपन को पता चल जाएगा भाई कैसे अपन को बताना है। तो अपन कहेंगे देखो जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है वो इस तरीके से है, ये तीनों बी है ना, जो ये वाले तीनों बी जो होंगे वो ऐसे रहेंगे, दैट इज 1B 2B और 3B ऐसे हो गए, दीज आर द 3B, जो एक तुम्हारी तरफ है बाहर की तरफ है,
एक बोर्ड के प्लेन में है, एक मैं ऐसे ले लेता हूं ऊपर की तरफ बॉन्ड होगा और एक बॉन्ड नीचे की तरफ होगा, मतलब एक भी नीचे है एक भी ऊपर है और ये तीन भी एक ही प्लेन में है, ये तीन भी एक ही प्लेन में रहेंगे। राइट, समझ में आया? तो अपन ऐसे बता सकते हैं। तो ये इस तरीके से होंगे बी एटम्स। राइट, तो ये बी एटम जो होंगे वो हमारी तरफ मतलब ऐसे होंगे, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, फिर तो यहां तीन एटम एक ही प्लेन में है, बाकी ये वाला एक एटम होगा और नीचे एक एटम होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, फिर तो मैं बता सकता हूं कि अगर ये तीनों एक ही प्लेन में हैं, तो इन तीनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल्स होंगे वो तो 120 डिग्री होंगे इनके बीच में, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल इसके साथ या इसका बॉन्ड एंगल इसके साथ या इसका बॉन्ड एंगल इसके साथ। राइट, इसका बॉन्ड एंगल इसके साथ या इसका बॉन्ड एंगल इसके साथ या इसका बॉन्ड एंगल इसके साथ क्या होगा? 90 डिग्री होगा। लिखते हैं, इसका मतलब है कि आप मुझे बता रहे हो इसमें ये वाले तो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल्स हो गए, मतलब ये 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है, ये वाला आपने मुझे 90 डिग्री बॉन्ड एंगल बताया, ये वाला भी आपने मुझे 90 डिग्री बॉन्ड एंगल बताया, लेकिन ये वाला जो बताया ना आपने, ये वाला बॉन्ड एंगल, ये 120 डिग्री बताया। ये तीनों बी एटम के बीच में 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है और इसका बॉन्ड एंगल इन तीनों के साथ 90 बनेगा, क्योंकि इन तीनों से ये परपेंडिकुलर अटैच है और इन तीनों से ये भी बॉटम साइड से परपेंडिकुलर अटैच है। तो अगर अपन से पूछेंगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ 120 डिग्री एंगल्स, तो टोटल 120 डिग्री एंगल्स कितने होंगे? तो अपन कहेंगे 3। और टोटल 90 डिग्री बॉन्ड एंगल कितने होंगे? तो अपन कहेंगे टोटल 90 डिग्री एंगल्स दैट विल बी इक्वल टू 3 नीचे और 3 ऊपर, दैट इज 6। तो अपन कहेंगे ठीक है, AB5 में कोई एग्जांपल बता दो कौन से होंगे। तो अपन कहेंगे बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, लो भाई PCL5 इज द एग्जांपल ऑफ AB5। तो अपन कहेंगे PF5, ये पांच बॉन्ड बना सकते हैं, दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ दिस। तो इस टाइप से अपन ये एग्जांपल लिख सकते हैं, मतलब PCl5 में एक फास्फोरस होता है, उसके बाद दो Cl ऐसे होता है, दो Cl अपन ऐसे लिखेंगे और फिर उसके बाद तीन Cl एक ही प्लेन में जो कि बाकी दोनों Cl से परपेंडिकुलर होंगे, वो तीन Cl एक ही प्लेन में होंगे। Got my point? तो अपन कहेंगे ये तीन सीएल एक ही प्लेन में होंगे, तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, फिर तो ये वाला 90 डिग्री है, ये 120 है, ये 120 है, ये भी 120 ठीक है। तो PCl5 के स्ट्रक्चर में इसका बॉन्ड एंगल इन तीनों के साथ 90 होगा, इसका भी बॉन्ड एंगल इन तीनों के साथ 90 होगा, लेकिन इन तीनों का आपस में बॉन्ड एंगल 120 होगा। ये अपना स्ट्रक्चर होगा। तो अपन इसको क्या स्ट्रक्चर बोलें? तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक तो ये ट्रायंगल जैसे बनेगा क्योंकि 120 डिग्री है ना, तो अपन इसको ट्रायंगल बोलेंगे। तो अपन कहेंगे भाई ट्रायंगुलर हो गया, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ ना, वरना ट्रायंगल ही बोल देता, ट्रायंगुलर एक बन गया ऐसे। अच्छा, अगर इनको इसके साथ ज्वाइन करेंगे ना ऐसे, तो ऊपर की तरफ एक पिरामिड बन जाएगा, तो नीचे बेस ट्रायंगल हो गया, ऊपर एक पिरामिड बना और नीचे भी एक पिरामिड बनेगा अगर इससे ज्वाइन करेंगे तीनों को। तो अपन ऐसे लिख देते हैं ट्रायंगुलर बाय पिरामिड, दैट इज द स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर बाय पिरामिड विल बी द स्ट्रक्चर। एवरीबॉडी गॉट? तो ये एक स्ट्रक्चर अपने पास हो सकता है अगर आप AB5 टाइप का होंगे। अगर AB6 टाइप है तो अपन चेक कर लेते हैं भाई AB6 टाइप में क्या होगा। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था, उसमें 6 बॉन्ड एंगल थे आपको याद होगा। तो इसमें भी अपन एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे SF6 हो गया, दैट कैन बी द एग्जांपल ऑफ दिस। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई SF6 है, तो जैसे आपने AB5 बनाया था वैसे AB6 का स्ट्रक्चर क्या होगा?
तो अपन कहेंगे AB6, पहले एक A बनाना पड़ेगा अपन को और फिर उसके बाद बाकी बनाना पड़ेगा अपन को। तो इसमें B एक इधर होगा, एक B इधर होगा, एक B इधर होगा और एक B इधर होगा, ये B हो जाएंगे इधर, ये B ऐसे हो जाएंगे, दैट विल बी द B व्हाट विल है, ये अपने पास B होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, वी गॉट द बी राइट। अगर अपने पास बी ऐसे मिल गया अपन को, ठीक है ना, तो अपन कहेंगे इसमें ना जो ये वाले बी हैं, ये एक ही प्लेन में स्क्वायर प्लेनर बना रहे हैं। मतलब अपन कहेंगे कि जैसे सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक बी ऐसे हो गया, अपने पास ऐसे ले लिया अपन ने, तो अपने पास क्या आ गया, ये एक स्क्वायर प्लेनर बना लेते हैं। मतलब एक कॉर्नर पे ये बी और ये बी आपकी तरफ हो गए, ये दोनों क्योंकि वज पे है तो ये तुम्हारी तरफ हो गए, और ये पीछे वाले बी तुमसे दूर हो गए, ये स्क्वायर बन गया। मतलब चारों कॉर्नर इसके चार बी हो गए, ये वाले एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर, चार कॉर्नर। एक अपन कहेंगे बी नीचे की तरफ है, ऐसे अपन ने लगा लिया, बी इधर हो गया, एक बी ऐसे बना लेते हैं अपन राइट, ये वाला बी, और एक ऊपर बना लेते हैं। तो अपने पास एक भी ऊपर हो गया, एक भी नीचे हो गया। तो अगर एक भी ऊपर हो गया, एक भी नीचे हो गया, तो मैं कहूंगा भाई इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, नाइनटी डिग्री बनेगा, तो इस पर पेंडिकुलर। तो अपन इसको बोल सकते हैं एक स्क्वायर बन रहा है अगर इन चारों को ऊपर वाले बी से ज्वाइन कर दिया जाए, तो स्क्वायर बनेगा और पिरामिड बनेगा। तो अपन बोल सकते हैं स्क्वायर पिरामिड, एक पिरामिड ऊपर की तरफ बनेगा, एक पिरामिड नीचे की तरफ बनेगा, एक पिरामिड इन चारों को अगर इससे ज्वाइन कर दिया जाए, इसको भी इससे ज्वाइन कर दिया जाए, तो इट विल बी कॉल्ड एज बाई पिरामिड। क्या बोलेंगे अपन उसे, बाई पिरामिड बोलेंगे अपन उसे। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इफ यू आर राइटिंग दैट, तो अपन इसको कहेंगे भाई ये आप बाई पिरामिड बना दो, इसको इससे ज्वाइन करो, इससे ज्वाइन करो, इससे ज्वाइन करोगे, इससे ज्वाइन करोगे, व्हाट विल बी दैट, तो फिर कहेंगे बाई पिरामिड बनेगा। तो स्क्वायर प्लेनर ये हो गया, और एक पिरामिड ऊपर की तरफ, एक पिरामिड नीचे की तरफ, तो मैं लिखूंगा इसको स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिड, प्लेनर बाई पिरामिड है ना, बाई पिरामिड बना देते हैं अपन इसको। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिड। अगर हम चेक करेंगे तो ये स्क्वायर प्लेनर जो बनाया ना अपन ने, ये इससे इसके साथ जो बॉन्ड बनाया ना अपन ने, ये तो ऊपर चार फेसेस आए, मतलब एक फेस इससे, एक फेस इससे, एक फेस इससे और एक फेस इन तीनों से पीछे की तरफ जो, मतलब टोटल कितने, चार फेस, चार फेस ऊपर भी बनेंगे, चार फेस नीचे भी बनेंगे। तो अपन इसके स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हैं, मैं इसको ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकता हूं, जैसे टेट्राहेड्रल क्यों बोला था आपने इसको, क्योंकि उसमें चार फेस बन रहे थे, इसमें कितने फेस बन रहे हैं, दैट इज 8, तो ऑक्टाहेड्रल भी बोलूंगा इसको स्ट्रक्चर। अब इसमें कितने 90 डिग्री बॉन्ड एंगल बने ये आपको बताना है, हाउ मेनी 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स आर प्रेजेंट इन दिस, ई एफ टोटल बताओ भाई। ठीक है, दो लोगों ने बताया वो सही है, बाकी बताओ। चलो अब मैं बताता हूं, काफी लोगों ने वैसे सही बताया, द नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल इज 12। कैसे भाई, इसका इन चारों से बॉन्ड एंगल 12 90 डिग्री बनेगा, इसका भी इन चारों से बॉन्ड एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, और ये आपस में भी तो 90 डिग्री बनाएंगे, ये वाला भी तो 90 है, ये वाला भी तो 90 है, ये वाला भी तो 90 है, और ये वाला भी 90 है, वो आपस में भी 90 बनाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स आर 12, सो नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल
बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 12 बनेंगे इसमें, ठीक है। तो अपन इसमें बता सकते हैं हाउ द स्ट्रक्चर इज अगर ए बी सिक्स टाइप है तो। अब इस टाइप के स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड्स ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं, जो बॉन्ड वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं उनको अपन कहते हैं दे आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं अपन उन्हें? एक्सियल बॉन्ड्स। और जो बॉन्ड इधर होते हैं ना ऐसे, इधर ना ऐसे प्लेनर परपेंडिकुलर टू एक्सियल बॉन्ड होते हैं उनको अपन कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। क्या बोलेंगे अपन? दे आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। मतलब ये वाले बॉन्ड जो है, ये वाले जो सीएल होंगे वो एक्सियल सीएल कहेंगे अपन, और ये वाले सीएल को अपन बोलेंगे देर आर थ्री इक्वेटोरियल सीएल एंड टू एक्सियल सीएल, ठीक है ना? राइट right? तो अपन को पता चल जाएगा। और इसमें कितने इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं बी में? तो अपन कहेंगे 4b आर प्रेजेंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। इट इज लाइक अ इक्वेटर ना, जैसे अर्थ में होता ना, उसी से इस नाम को दिया अपन का। गॉट इट ना? तो अपन कहेंगे इसमें, अपन इसमें बताएंगे ये। तो इसमें अपन कहेंगे भाई व्हाट वी हैव विल राइट दैट कि भाई इसमें 1 2 3 4, तो 4b इज प्रेजेंट एट द हॉरिजॉन्टल पोजीशंस, दे आर कॉल्ड द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और ये वाले जो बी होते हैं, जो ये वाले बॉन्ड होंगे वर्टिकल, दे आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स। तो इसमें 2b एटम्स एक्सियल पे हैं और 4b एटम्स इक्वेटोरियल पे हैं। Got it ना? Everybody got it? So we got it. AB6 type structure कैसे होगा वो अपन को पता चल गया। और obvious सी बात है, इसके ऊपर चार फेस हैं, नीचे चार फेस हैं, इसलिए अपन ने उसको octahedral बोला। तो ये AB6 था। अब इसमें बहुत ज्यादा मतलब वैसे तो नहीं पढ़ाना होता है भाई, एक और बना लेते हैं अपन AB। चलेगा चलेगा। अब अपन AB7 type देख लेंगे। AB7 type क्या होता है? तो सेवन लिखते हैं भाई, AB7 लिखते हैं अपन की AB7 क्या होगा वो देख लेंगे। एग्जाम्पल के लिए अपन कहेंगे IF7 है हमारे पास AB7 टाइप में। गौतम आर वेटिंग रूम में है? गौतम आर कोई है अपनी क्लास में? गौतम आर वर्मा। हाँ सर। अपन कहेंगे AB7 टाइप का स्ट्रक्चर जो होगा ना, इट विल बी लाइक दिस। जैसे मान लो अपन ने यहां पर लिखा था कि इन दोनों को हटा लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल बॉन्ड्स, टोटल एंगल कितना होता है ना एक ही प्लेन में, तो इसके अराउंड टोटल 360 था, तो तीनों एटम में अपन ने 120 डिवाइड कर दिया था। अभी अगर IF7 है तो फॉर IF7 विल राइट दैट, है ना? तो IF7 में अपन कहेंगे भाई इसमें ए एटम एक होगा और उसमें 2b एटम विल बी राइट ना। एक्सियल बॉन्ड में हमेशा दो ही एटम होंगे, तो यहां पर एक बी लिख लेते हैं अपन और यहां पर एक बी लिख लेते हैं, और बाकी बी को ए के अराउंड क्या करते हैं अपन? पेंटागन जैसे अरेंज कर देते हैं। तो अपन को पता है भाई पेंटागन कैसे होता है? जैसे होता है पेंटागन, अब ये आपस में बॉन्ड नहीं होते, अपन तो बस बना रहे हैं कि वो पेंटागन जैसे अरेंज होंगे, वरना अपन ऐसे नहीं कहेंगे कि बी में कोई, ये कोई बॉन्ड थोड़ी है इनके बीच में, हम तो सिर्फ बना रहे हैं वहां पर। इसलिए अपन सिर्फ पेंटागन जैसे ए है तो एक बी को यहां लिखते हैं, एक बी को यहां लिखते हैं, एक बी को यहां लिख देते हैं, एक को यहां लिख देते हैं और एक को यहां लिख देते हैं, ताकि वो पेंटागन जैसे बन जाए। ये कोई आपस में बॉन्ड नहीं है, वो पेंटागन जैसे दिख रहे होंगे बस, ये इसलिए ये डैश वाला बॉन्ड बना देता हूं। उनका आपस में कोई बॉन्ड नहीं है क्योंकि वो सारे के सारे किससे बॉन्डेड होते हैं? ए से बॉन्डेड होते हैं। ये थोड़ा एक ही प्लेन में बनाने के लिए अपन उसको ऐसे कर दे रहे हैं भाई, ये इधर ऐसे और ये इधर ऐसे, तो ये भी मतलब एक तरीके से क्या होंगे, बाहर की तरफ ही बने होंगे, क्योंकि इसके अराउंड एक ही प्लेन में जो पांच एटम होंगे ना, ये पांचों एटम एक ही प्लेन में, अगर ये 2
टोटल बॉन्ड एंगल कितना होगा 360, तो हर एक बॉन्ड एंगल जो होगा वो 360 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा, अपने पास 72 डिग्री एक बॉन्ड एंगल आने वाला है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, आप 5 बी एटम को लिखने वाले हो, एक बी एटम इधर लिखोगे, एक बी एटम इधर लिखोगे, एक बी एटम आप इधर की तरफ लिखोगे और एक बी एटम आप सारे के सारे अथर्व बोलो तो अपन कहेंगे सारे के सारे, मतलब उसमें अपन ऐसे कर देंगे भाई, एक बी एटम इधर आ जाएगा और एक बी एटम इधर निकलेगा, ये लो भाई ये आ गया अपने पास, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे ये 5 बी एटम एक ही प्लेन में होंगे, मतलब ये वाला बी एटम, ये वाला बी एटम, ये वाला बी एटम और ये बी एटम एक पेंटागन जैसे बनाएंगे, और ऑब्वियसली बात है फिर अपन कहेंगे इसका स्ट्रक्चर, ये पांचों एक ही प्लेन में है, तो ये सारे के सारे बॉन्ड एंगल जो होंगे इधर वाला इधर वाला इधर वाला, ये सब कितने होंगे 72 डिग्री होंगे, जैसे अपन ने लिखा ना ये सारे के सारे क्या होंगे 72 डिग्री बॉन्ड एंगल्स होंगे, तो ये सारे बॉन्ड एंगल जो है वो सारे के सारे 72 डिग्री बॉन्ड एंगल्स होंगे जो अपन लिखते हैं। तो कैसे अपन ने डिसाइड किया भाई, एक ए के अराउंड अगर एक ए है और उसके अराउंड 5 एटम अगर अपन को रखने हैं तो वो कितने होंगे 72 डिग्री बॉन्ड एंगल पे होंगे, तभी उनमें मिनिमम रोटेशन होगा ना, बॉन्ड एंगल इक्वल होना चाहिए। तो अपन कहेंगे भाई 5 तो वो ऐसे हो गए कि एक ये 5 तो इसी प्लेन में आ गए, प्लेनर हो गए, और एक ऊपर ऐसे ऊपर है और एक बॉटम की तरफ है। तो अपन क्या कहेंगे भाई, इन पांचों को अगर ऊपर की तरफ बना दे तो अपन कहेंगे भाई ये पेंटागन था और ऊपर उन सबको ज्वाइन करोगे तो पेंटागोनल पिरामिड हो जाएगा। तो इसको अपन स्ट्रक्चर लिखेंगे, एक पेंटागन और इसको ऊपर ज्वाइन करेंगे, इन पांच को ऊपर तो पिरामिड और एक बार बॉटम की तरफ ज्वाइन कर देता है तो पेंटागोनल बाई पिरामिड आ जाएगा, तो इट विल बी पेंटागोनल बाई पिरामिड आ जाएगा, ये पेंटागोनल बाई पिरामिड आ जाएगा, राइट ना। तो अपन इसे क्या बोल देंगे भाई, ये है पेंटागोनल बाई पिरामिडल और इसमें दो टाइप के बॉन्ड एंगल्स आ गए, तो 5 बॉन्ड एंगल्स आर 72 डिग्री, यहां पर अपने लिखे ना 572 डिग्री, और इसमें इसका इन पांचों के साथ क्या बनेगा 90 डिग्री और उसका भी इन सभी के साथ 90 डिग्री, तो देयर विल बी 10 बॉन्ड एंगल्स दैट आर 90 डिग्री। दो टाइप के बॉन्ड एंगल्स हैं इसमें, 90 डिग्री और 72 डिग्री, तो वी आर एबल टू टेल दैट कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर वी हैव। अब एक बात और लिखेंगे पर, राइट ना, दैट इज मैंने अभी ये स्ट्रक्चर बनाया आपको और एक और स्ट्रक्चर बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं इसको ऐसे हटा लेता हूं फिर आपको बताता हूं। जैसे अपन कहेंगे भाई हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर है, ये हो गया अपना है ए बी 7 टाइप तक हो गया, ज्योमेट्री हमने सीख लिया, हमको क्या ज्योमेट्री बताना। अब अपन क्या करेंगे, मैं एक पार्ट दूसरा आपको बता रहा हूं, दैट इज सपोज अपने पास ऐसे गिवन है PCl5, मैंने अभी लिखा था PCl5 में क्या था, P था इधर और इधर, इधर बॉन्ड एंगल जैसे होंगे, इधर बॉन्ड एंगल Cl, इधर Cl, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, ये Cl इधर भी Cl, ये बॉन्ड एंगल 90 था बट ये वाला बॉन्ड एंगल 120 था। देखो अगर दो टाइप के बॉन्ड एंगल होंगे ना तो बॉन्ड एंगल हमेशा बॉन्ड लेंथ को भी चेंज करता है, जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा वहां बॉन्ड लेंथ छोटा होता है। वो कैसे भाई, वो तो हम खुद ही बता सकते हैं। मान लो अपने पास ए एटम है, इसको दो एटम अप्रोच करते हैं, एक बी एटम और एक बी एटम, वो अप्रोच कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग मैंने अप्रोच कर रहे हैं ऐसे लिखा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, अगर इसको दोनों अप्रोच कर रहे होंगे तो अगर ये ज्यादा बॉन्ड एंगल से अप्रोच करेंगे तो ज्यादा पास जा पाएंगे, अगर ये कम बॉन्ड एंगल से अप्रोच करेंगे इसको तो होगा क्या, जब ये पास आएंगे तो ये भी तो पास आएंगे आपस में, तो इनमें भी तो रिपल्शन होगा। तो अगर मान लो ये ज्यादा पास से इसको अप्रोच कर रहे हैं तो इनके आपस में भी रिपल्शन होगा, लेकिन अगर ये दूर से अप्रोच करेंगे तो ये इसके ज्यादा पास तक जा पाएंगे। तो जहां बॉन्ड एंगल बड़े होते हैं वहां बॉन्ड लेंथ छोटे हो जाते हैं, क्योंकि वहां ज्यादा पास जाके
अदर एटम सेंट्रल एटम के ज्यादा पास जाके बॉन्ड बनाता है। तो अगर डिफरेंट टाइप के बॉन्ड एंगल्स हैं तो आप बोल सकते हो कि जहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा है वहां बॉन्ड लेंथ छोटे होंगे, जहां बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल छोटे हैं वहां बॉन्ड लेंथ भी बड़े होंगे, क्योंकि एटम बहुत ज्यादा पास नहीं जा पाएंगे, उनको दूर से ही बॉन्ड बनाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे सेंट्रल एटम के पास ये अप्रोच करेंगे, अगर दो एटम है तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मतलब इन दोनों के बीच में अगर रिपल्शन नहीं हुआ तो ये ज्यादा पास जाके बॉन्ड बना देंगे। लेकिन अगर मान लो ये पास पास आएंगे दोनों अप्रोच करेंगे, तो इनमें भी तो आपस में क्राउडिंग होगी ना, वो आपस में क्राउडिंग होगी तो रिपल करेंगे आपस में। तो अपन को हमेशा पता रहेगा कि जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है वहां बॉन्ड लेंथ छोटा होता है। तो अपन एक बात को हमेशा ध्यान रखेंगे और वो नोट करके कि The bond length are smaller, है ना? Bond length are smaller, जो bond length होते हैं, so bond length वहां छोटे होते हैं जहां bond angle बड़े होते हैं। Are smaller where the bond length, but the bond angle are larger। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, bond length जो होता है ना बॉन्ड एंगल से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड एंगल से इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख दूंगा, ऐसे लिख दूंगा। ये लो भाई, इसका मतलब आप पूछोगे ना अगर इसमें कौन से बॉन्ड छोटे हैं तो बता दूंगा, इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे हैं एक्सियल बॉन्ड से। एक्सियल और इक्वेटोरियल कैसे डिवाइड किया, वो एक्सेस से, क्योंकि मॉलिक्यूल हमेशा स्फेरिकल होता है ना, तो जैसे अर्थ में होता है ना ग्लोब में अपन कहते हैं ये एक्सेस है और ये इक्वेटर है परपेंडिकुलर उससे, उस टाइप से वो डिवाइड कर देते हैं। तो अपन भी डिवाइड कर देंगे, वैसे याद रख लेते हैं कौन से इक्वेटोरियल बॉन्ड है और कौन से एक्सियल बॉन्ड है। ठीक है भाई, अब अपन कहेंगे ठीक है वी गॉट दैट। इसमें अब अपन कहेंगे देखो भाई, अब ये अपन ने स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री सीखा और एग्जांपल भी दिया डाल दैट। अब अपन चेक करते हैं कि इफ देयर इज अ लोन पेयर, इफ देयर इज अ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, तो व्हाट विल बी द चेंज इन द शेप। ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आता, शेप में चेंज आता है। तो अगर मान लो हमारे पास ऐसे गिवन है, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री तो वही रहेगी लेकिन शेप थोड़ा चेंज होगा, और क्यों चेंज होगा आई विल टेल यू दैट पार्ट। तो अपन कहेंगे ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल व्हेन देयर इज लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सो अपन लिखते हैं व्हेन देयर इज लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ऑन सेंट्रल एटम। तो अभी व्हाट विल डू, अब एबी टू पाइप टाइप में तो कोई सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं होगा, एबी थ्री टाइप से शुरू करता है, तो विल राइट दैट एबी थ्री टाइप। इसमें व्हेन नो लोन पेयर, अपन ने क्या लिखा था, व्हेन देयर इज नो लोन पेयर, राइट right? तो अगर वहां पर लोन पेयर नहीं है, व्हेन देयर इज नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तो अपन ने लिखा था देखो भाई इसकी ज्योमेट्री क्या थी, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर, टू डी स्ट्रक्चर था इसका, और इसका शेप क्या था, वो भी ट्राइगोनल प्लेनर, एक ही बात है जैसे दिख रहा है, शेप का मतलब होता है कैसे दिख रहा है वो आपको, ठीक है। अब इसमें अपन पार्ट लिखेंगे, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट कैसे, अब अपन लिखते हैं ए पार्ट, व्हेन देयर इज वन लोन पेयर, ठीक है ना। अब अगर एक लोन पेयर होगा तो अपन क्या कहेंगे, ए बी टू वन लोन पेयर, मतलब अपन ऐसे लिख लेंगे, मेरे पास एग्जांपल गिवन है कि अब आप क्या कर रहे हैं ना, पहले अपन ऐसे लिख रहे थे ए बी इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, ए बी थ्री टाइम। अब लोन पेयर का मतलब यह है कि मैं एक बी को हटा के वहां पर लोन पेयर लेके आऊंगा, अच्छा बनाए ना, ठीक है। तो
एक बी को लाके, एक बी को हटा के वहां पर अपन नोन पेयर लेके आएंगे। तो अपन को दिख तो वही रहा है कि भाई दो बी बचे हुए हैं, लेकिन एक बी की जगह क्या आने वाला है, अपन को लोन पेयर आने वाला है। सो ए बी टू विथ वन लोन पेयर होने, लोन पेयर होने, मैंने एक बी को लोन पेयर से रिप्लेस किया। वन बी रिप्लेस बाय वन लोन पेयर, मैंने ये रिप्लेसमेंट किया। वन बी इज रिप्लेस्ड बाय वन लोन पेयर, आप उसको लिख लेना। तो कहेंगे ठीक है रिप्लेस कर देते हैं। तो पहले एग्जांपल लेते हैं, जो मैंने अभी बताया ना इस टाइम के, पहले अपन एग्जांपल लेते हैं। तो इस टाइप का एग्जांपल लिखने के लिए आई विल राइट दिस एग्जांपल। तो एग्जांपल में मैं कहूंगा भाई SnCl2 PbCl2 SO2, दीज आर द एग्जांपल्स। तो चलो देखते हैं, और भी बना सकता हूं मैं एग्जांपल, ऐसे नहीं कि और नहीं बना सकते, मैं और बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो अपन क्या करेंगे, SnCl2 जैसे है तो अपन कहेंगे देखो भाई, अब मैं किसी एक को एक्सप्लेन करता हूं बाकी अपने आप हो जाएंगे। अपन को अपन कहेंगे SnCl2 का मतलब है Sn में चार इलेक्ट्रॉन है, Cl को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दिया। अब ज्योमेट्री बनाते हैं तो मुझे एक लोन पेयर जो बचा हुआ है ना उसको भी एकोमोडेट करना होता है। तो अपन क्या करेंगे, एक लोन पेयर और दो बॉन्ड, ये लो भाई एकोमोडेट हो, तीन पार्ट हो गए। तो जैसे अपन को मिलेगा ना यहां पर वन टू थ्री ऐसे, तो एक लोन पेयर और दो बॉन्ड ये एकोमोडेट करना होता है अपन। तो अपन एकोमोडेट कर लेते, तो अपन कहेंगे ठीक है, अब इसको अगर अपन एकोमोडेट करेंगे लोन पेयर को, तो विल राइट दैट कि भाई यहां पर आपने लोन पेयर लिखा तो इससे क्या होगा कि तीन बॉन्ड तो है, राइट ना, तीन बॉन्ड तो है। अब वन टू थ्री बॉन्ड्स हो गए अपने पास, थ्री बॉन्ड्स है, एक लोन पेयर है अपने पास। तो अपन कहेंगे भाई एक दो तीन पार्ट को एकोमोडेट किया, तो ज्योमेट्री क्या होगी, अपन कहेंगे ज्योमेट्री क्या लिखेंगे उसमें, ज्योमेट्री तो वही रहेगा ट्राइगोनल प्लेनर, भाई ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसमें ट्राइगोनल प्लेनर तो ज्योमेट्री हो गया, और शेप क्या हो गया, तो अपन कहेंगे भाई शेप देख लेते हैं, शेप क्या हुआ, क्या शेप और ज्योमेट्री अलग अलग होगा, तो अपन कहेंगे ज्योमेट्री तो आप ट्राइगोनल प्लेनर बताओगे, क्योंकि लोन पेयर की जगह आपने एक बी लेके आए हो, आप एक बी की जगह एक लोन पेयर लेके आए हो, तो पहले होना चाहिए था ऐसे, ये आपको ऐसे था, ये ऊपर लोन पेयर दिख रहा है और ये दोनों आपके सीएल है। तो ज्योमेट्री अभी एक दो तीन एक ही प्लेन में है, ट्राइगोनल प्लेनर, गॉट इट। इसको हटाते हैं अपन, अब क्या दिखेगा मुझे, तो मैं कहूंगा अब तो मुझे बस ये वाले बॉन्ड देखेंगे ऊपर वाला पार्ट को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम देख ही नहीं सकते ना, इलेक्ट्रॉन आप नहीं देख सकते, कोई भी नहीं देख सकता इलेक्ट्रॉन। तो क्या दिख रहा है मुझे, मैं कहूंगा एंगुलर दिखेगा फिर, ऐसे एंगुलर पार्ट। तो अपन कहेंगे अच्छा इसका मतलब है शेप वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को हटाने के बाद अपन को दिखता है, उसको शेप बोलते हैं। तो इसमें शेप क्या हो जाएगा भाई, इसमें लोन पेयर है लेकिन जब वो लोन पेयर दिखते ही नहीं, मुझे क्या दिख रहा है, एक सीएल एक एस और एक और एसएन और एक सीएल, ये दिख रहा है मुझे। अगर ये दिख रहा है तो मुझे क्या दिखेगा, ये एंगुलर पार्ट दिख रहा है, तो अपन कहेंगे एंगुलर शेप हो गया, या फिर इसको बेंट शेप भी बोल सकते हैं, जो दिख रहा है जैसे उसको अपन बोल देंगे वो शेप है, इसको अपन कहते हैं बेंट शेप। तो लोन पेयर आने से क्या होगा, लोन पेयर आने से ज्योमेट्री तो वही रहेगी, ज्योमेट्री चेंज नहीं होती, इसलिए तो अपन ए बी थ्री टाइप में उसको डिस्कस कर रहे हैं। ज्योमेट्री आने से, ज्योमेट्री लोन पेयर आने से ज्योमेट्री चेंज नहीं होती, चेंज क्या होगा, शेप चेंज होगा। तो पहले क्या दिख रहा था अपन को ए बी थ्री में, ये तीनों बॉन्ड्स दिख रहे थे, तो अपन ने कहा ट्राइंगुलर प्लेनर, लेकिन अगर इसको हटा दिया तो फिर एंगुलर दिख रहा है, और क्या, बस ये दोनों दिख रहे हैं, इसी को आप बेंट शेप बोल दो या एंगुलर शेप बोल दो,
गॉट इट ना? अगर किसी सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर आ जाए, किसी सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आ जाए, तो अपन को पता है ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है. लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन. ये अपने सेकंड पोस्टुलेट में लिखा हुआ है. लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्डेड पेयर रिपल्शन. द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर इज मोर एज कंपेयर टू द रिपल्शन बिटवीन द टू बॉन्डेड पेयर्स. तो अगर ये रिपल्शन ज्यादा होगा तो अब तीनों में बॉन्ड एंगल एक जैसा नहीं रहेगा. अपन कहेंगे ये बॉन्ड एंगल चेंज होगा एंड द थीटा विल बी लेस देन 120. यहां पर जो थीटा आएगा अपने पास, सपोज ये थीटा बॉन्ड एंगल है, तो थीटा विल बी लेस देन 120 डिग्री. और क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बिटवीन द बॉन्डेड पेयर्स. अगर आप ए बी थ्री में ऐसे लिख रहे थे, आप ए बी थ्री में ऐसे लिख रहे थे जब तीनों एटम थे, तो आप बोल रहे थे ये 120 होता है. अभी अगर एक लोन पेयर आएगा तो अपन बताएंगे ना, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, रो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इधर रिपल्शन ज्यादा होगा तो इधर बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा. सो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर एज कंपेयर टू टू बॉन्डेड पेयर, तो वो चेंज करेंगे. राइट, ये चेंजेस होंगे जब अपन इसमें लोन पेयर लेके आएंगे. अब लोन पेयर को लाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा लोन पेयर अपन को ना, लोन पेयर में स्ट्रक्चर भी अपन को पता होना चाहिए, लेकिन अपन को एक बात पता है, आप किसी एक एटम को रिप्लेस करके ही उसको लेके आओगे. राइट, ये पार्ट और भी इजी हो जाएगा अगर अपन हाइब्रिडाइजेशन को इंक्लूड कर ले. तो पता देखते हैं भाई, हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूड करते हैं और फिर उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर आपको ये बिल्कुल पता रहेगा कि किसको कहाँ अरेंज करना है मुझे, क्योंकि अभी तो आपको सोचना पड़ेगा लोन पेयर इधर उधर तो नहीं जाएगा, नहीं एक ही प्लेन में रहेगा. तो अपन हाइब्रिडाइजेशन को इंक्लूड करके वापस लेके आते हैं इसको. और हाइब्रिडाइजेशन में कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, इट्स वेरी स्मॉल टॉपिक. स्कूल के लिए थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो अपन पढ़ेंगे ना स्कूल के लिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स. ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, लोन पेयर आपको ये अच्छे से पता चल गया कि ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस तभी होगा जब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आएगा. अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप एक जैसे होंगे, बॉन्ड एंगल भी फिक्स होंगे. लेकिन अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आएगा तो बॉन्ड एंगल हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर एज कंपेयर टू द रिपल्शन बिटवीन द टू बॉन्डेड पेयर. ये अपन ने पढ़ा हुआ है, गॉट माय पॉइंट? ठीक है, अब मैं क्या करता हूं इसको और इजी बनाने के लिए, पहले अपन क्या कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करेंगे अपन. और हाइब्रिडाइजेशन बताना बहुत इजी है, बस डेफिनेशन ही अच्छा होता है इसका. और डेफिनेशन मैंने आपको संडे को थोड़ा बताया था, वो स्कूल की वजह इससे, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू संडे के कल ही बताया था. राइट ना, तो अपन एक बार हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूड करते हैं और फिर इसमें आते हैं. तो हाइब्रिडाइजेशन आने के बाद तो खत्म ही हो जाएगा, बहुत ज्यादा मतलब अपन को डिस्कस करना ही नहीं पड़ेगा. मैं एक छोटा सा पार्ट और डिस्कस करेंगे और इसमें कंटिन्यूएशन रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इसको लिखो हाइब्रिडाइजेशन, फिर अपन डिस्कस कर लेंगे, मतलब इट कैन बी द पार्ट ऑफ दैट. इससे अपन को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन अपन को एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करना है. चलो देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन को अपन कैसे डिस्कस करते हैं. आप लिखो दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, लिखने वाले हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन, लिखो आप. ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है, अपन को पता है हाइब्रिडाइजेशन अपन कैसे लिखेंगे. देखो, दो चीजों को मिक्स करके कुछ नया बनाने को अपन कहते हैं कि वो हाइब्रिड है. दैट इज व्हाट वी मीन बाय द हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है जब आप किसी का इंटरमिक्सिंग करोगे तो फिर अपन चेक करेंगे. राइट, तो अपन चेक कर लेते हैं. अब हाइब्रिडाइजेशन में विल राइट दैट, हाइब्रिडाइजेशन में पर लिखते हैं द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. वीडियो लैग कर रहा है क्या मेरा? नो सर. नो सर, लो भाई नहीं सर. नो सर, एक ही बोल रहा है कि हाँ सर, बाकी सब बोल रहे हैं नो सर. नो सर, ठीक है, तो अपन फिर डिस्कस करते हैं. हाँ, तो आप तनिष रिजॉइन करेगा.
तनिष्क तुम कर लो, रिज्वाइन कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बना रही हूँ, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, जैसे लास्ट में लिखा, लास्ट टाइम अपने लिखा था, कल थोड़ा सा डिस्कस। अभी अपन देखो, बोर्ड क्लास को बिल्कुल सेपरेट रखो, मतलब मैं बोर्ड क्लास को बिल्कुल यूज नहीं करने वाला अपने नॉर्मल क्लास में। बोर्ड क्लास जो अपन ने पढ़ा, ठीक है, अच्छी बात है, आपको जो भी समझ में आया मुझे नहीं पता, लेकिन बोर्ड के हिसाब से मैंने आपको बुक से बताया, ठीक है। अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो अपन यहां पर लिखेंगे द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऐसे लिखता हूं मैं, दैट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म राइट द न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अपन क्या करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे ऑफ नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म द न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप साइज एनर्जी एक्सेट्रा, तो बिल्कुल सेम दिखेंगे अपन को, आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल राइट ना, दीज आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनको अपन कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड द फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, सो आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, these are called hybrid orbital, and then phenomena of mixing these orbital, jo apan ne mix kiya na, is phenomena ko apan kehte hain hybridization, the phenomena of mixing these orbitals, of mixing the orbitals is called hybridization, apan is phenomena ko bolte hain hybridization, jaise mixing hota na, to of orbitals is called, orbital is called hybridization, ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, हाइब्रिडाइजेशन है, फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग द एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो अपन देख लेते हैं भाई, बस इसमें क्या होता है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हम मिक्स करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। तो चलो अपन देखते हैं, मैं आपको मतलब इसके प्रॉपर्टीज वगैरह सारे चीजें बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन का, लेकिन अभी मैं सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए अपन देखते हैं क्या करना है। देखो अगर मेरे पास सपोज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है ना अपन को, तो अपन ऐसे कहेंगे, देखना ऐसे, तो अपन कहेंगे भाई मेरे पास जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैंने एक एस और एक पी ऑर्बिटल को मिक्स किया, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो एस पी हाइब्रिडाइज्ड होगा, उसको मैं एस पी हाइब्रिडाइजेशन कहूंगा। अगर मैं एक एस और दो पी को मिक्स करूंगा, तो मैं इसको एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड बोलूंगा। अगर मैं इसको एक एस और तीन पी को मिक्स करूंगा, तो मैं इसको एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन बोलूंगा। एक एस और चार पी को मिक्स कर लें, तो बन कहेंगे चार पी होते ही नहीं, आप बॉन्डिंग बता रहे हो, आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, एस की एनर्जी कम थी इसलिए एस से शुरू किया, फिर पी तो एस पी, एस और पी के बाद अगर और कुछ मिक्स करना है तो आपको दूसरा पी लेना पड़ेगा, फिर एस के बाद अगर और पी लेना है आपको, तो फोर्थ पी लेना पड़ेगा, थर्ड पी लेना पड़ेगा, लेकिन फोर्थ पी होते ही नहीं, अगर फिर भी आपको मिक्स करना है तो आप डी को मिक्स करो, तो एस पी थ्री डी मिक्सिंग का होगा। और अगर आप एस के साथ तीन पी को मिक्स करोगे और एक दो डी को मिक्स करोगे, तो मैं इसको एसपी थ्री डी बोलूंगा, डी टू बोलूंगा। ये नंबर ऑफ जो पावर लिखा होता है उसमें लिखा होता है कि कितने आपने एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया,
एक एस को आप तीन पी से मिक्स कर सकते हो और फाइव डी से मिक्स कर सकते हो, इतना लेकिन मिक्सिंग नहीं होता है। मैक्सिमम अगर कभी अपन को पढ़ना भी पड़ा तो एस पी थ्री डी थ्री से ज्यादा अपने सिलेबस में नहीं होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन हमें यही से आते हैं, राइट ना? और अपन को पता है कि जब आप मिक्स करोगे तो इसमें से एक एस और एक पी, और इधर तो आपने पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों ही मिक्स किए, इधर भी पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों ही मिक्स किए, इधर आप कोई भी मिक्स कर सकते हो, दो इधर तीनों में से कोई भी ले सकते हो, कोई ऐसे जरूरी नहीं कि कोई एक ही लेना, आप कुछ भी लेके बता सकते हो। दैट इज हाउ आई विल कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन, राइट राइट। सो अपन कहेंगे कि अब अपन से मतलब कोई ऐसे, राइट, तो विल राइट दैट, ये अपने पास हाइब्रिडाइजेशन लिखा अपन ने। अब होता क्या है, अगर हाइब्रिडाइजेशन और शेप की बात कर रहे हैं, सो ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन, तो मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं कि भाई मेरे पास अगर हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब मैं क्या अज्यूम करूं, तो वो देख लेते हैं अपन। तो हाइब्रिडाइजेशन तो अपन ने sp भी लिखा, sp2 भी लिखा, sp3 भी लिखा, sp3d भी लिखा, sp3d टू भी लिखा और sp3 d3 भी लिखा। मैं क्या कर सकता हूं, जब मुझे हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगा तो मैं ज्योमेट्री भी डिसाइड कर सकता हूं। अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन पता है तो मुझे ज्योमेट्री भी पता होगा। sp में लीनियर ज्योमेट्री आता है, sp2 में ट्राइंगुलर प्लेनर, मतलब तीन बॉन्ड्स थे, ये नंबर ऑफ एक्चुअली बॉन्ड्स बन रहे हैं जितने भी sp एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो ट्राइंगुलर प्लेनर जैसे अपन ने लिखा था। sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल हो गए, चार बॉन्ड बनेंगे। sp3d होगा तो ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल, अपन ने बनाया था pcl5 बाइपिरामिडल, और sp3d2 अगर मुझे लिखना है तो मैं कहूंगा ठीक है, इट विल बी ऑक्टेहेड्रल, और अगर sp3d होगा तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल बना दूंगा, ये बता दूंगा। अगर लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पे तो अपन बता भी सकते हैं बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे, इसमें बॉन्ड एंगल अपन को पता है 180 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल्स, इसमें 180 डिग्री था बॉन्ड एंगल क्योंकि लीनियर शेप है। ट्रायंगुलर में वी नो दैट इट इज 120 डिग्री, इसमें अपन को पता है 109.28 मिनट्स, इसमें 90 and 120, इसमें ऑक्टेटल ओनली 90, और इसमें आपने 72 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये आपने बॉन्ड एंगल्स बताए थे मुझे, तो ठीक है। अब इनको कोरिलेट कैसे करोगे आप, चलो ये देखते हैं अपन। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन को मैं बताता हूं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। मैं इस पार्ट को हटा देता हूं, ठीक है। इसमें क्या लिखा आपने, एक एस, ऑब्वियसली बात है, शेल कोई भी लोगे आप, भाई आप कहोगे कि वैलेंस शेल से ही बॉन्डिंग होती है, मान लिया, तो वैलेंस शेल में भी पहले तो एस ऑर्बिटल होगा ना जिसकी एनर्जी सबसे कम, उसके बाद पी ना, उसके बाद D, इसलिए पहले आप S ले रहे हो, उसके बाद P को इंक्रीज करते जा रहे हो, उसके बाद आप D को ले रहे हो, दैट वाज द रीजन। अब हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है ना, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है इसको अपन देखेंगे ऐसे, हाइब्रिडाइजेशन कैन ओनली एक्सप्लेन the number of sigma bond around the central atom, sigma bond formed around the central atom। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो अपन को ये बताता है कि कितने sigma bond form हुए किसी भी central atom के अराउंड। दूसरा अपन को यह देखना होता है, काउंट वन लोन पेयर एज
वन सिग्मा पर। एक लोन पेयर को आप एक सिग्मा बॉन्ड जैसे काउंट करना, मतलब ये अपन को अभी अपन को ये चेक करना होता है कि अगर कोई लोन पेयर बच रहा है सेंट्रल एटम पे, तो आपको एक लोन पेयर को एक सेंट्रल एटम जैसे काउंट करना है, एक सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर को एक सिग्मा बॉन्ड जैसे काउंट करना है। ठीक है भाई, कर लेंगे। सो काउंट वन लोन पेयर एज वन सिग्मा बॉन्ड अनलेस इट इज इन कॉन्जुगेशन। वैसे मैं बताऊं अभी अपन को केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है कोई बात नहीं, अनलेस इट इज इन कॉन्जुगेशन, ये वर्ड पर ध्यान मत देना, ठीक है ना, क्योंकि इस ये वाला वर्ड आपको नहीं मिलने वाला, अभी काफी दिन तक नहीं आने वाला ये अपना अपने पास ये वाला वर्ड। क्या होगा ना, जब आप कभी भी रिवाइज करोगे, पूरा केमिस्ट्री खत्म होने के बाद भी रिवाइज करोगे, तो इस वर्ड की जरूरत पड़ेगी आपको। अभी कोई नहीं, कुछ भी पढ़ने मिलने नहीं वाला अपन को ऐसे कुछ, क्योंकि ये वर्ड मुझे, ये जो सेंटेंस लिखा ना मैंने ब्रैकेट में, ये मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो उसके बगैर अपना काम नहीं चलेगा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कंजुगेशन वर्ड के बगैर कुछ होते ही नहीं, तो वहां चाहिए, इसलिए मैंने अभी डाल दिया। लेकिन यहां इस वाले वर्ड को अभी अपन भूल जाएंगे, जो मैंने कहा वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये तो बड़ा इजी है कैलकुलेट करना, आपने जो पॉइंट नंबर वन लिखा हुआ है ये पार्ट हटा रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब जो पॉइंट नंबर वन आपने लिखा हुआ है ये तो बहुत इजी है हमारे लिए, तो अपन कहेंगे अच्छा भाई कैसे इजी है बताओ, ये लो हमें क्या फर्क पड़ता है। देखो मैं सबके हाइब्रिडाइजेशन बता सकता हूं, आप बताओ कि किस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। अपन कहेंगे CO2 का बताओ, अपन कहेंगे बॉन्ड बना, वो बना लो स्ट्रक्चर इसका, लो भाई बना दिया, यही तो होता है। अब तक आप यही सिखाते हैं ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, उसके बाद जितने एटम जिसको चाहिए दे दो। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। CO2 के अराउंड कितने बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, दो, टू सिग्मा बॉन्ड्स, लो एसपी हाइब्रिडाइज्ड हो गया। हाँ, क्योंकि एक एस टाइप का होगा, एक पी टाइप का होगा, दो सिग्मा बॉन्ड होंगे। ये जो अपन ने मिक्सिंग लिखा था ना, दैट मिक्सिंग इज नथिंग बट अ सिग्मा बॉन्ड। जैसे अपन ने लिखा ना कि भाई आपने लिखा सिग्मा बॉन्ड, जैसे दो सिग्मा बॉन्ड है तो एक एस और एक पी ने बनाया होगा, तीन सिग्मा बॉन्ड है तो एक एस और दो पी ने बनाया होगा, अगर चार सिग्मा बॉन्ड है तो ठीक है, फोर सिग्मा बॉन्ड है तो एक एस होगा और तीन पी ने बनाया होगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही तो बनता है सिग्मा बॉन्ड, तो अपन कहेंगे ये sp3 होगा, मतलब जितने सिग्मा बॉन्ड उतना हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा, जितने सिग्मा बॉन्ड उतना हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है भाई। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेप ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल सारे आपस में कोरिलेटेड है, यू नो दैट। तो अपन कहेंगे CO2 दो सिग्मा बॉन्ड, sp हाइब्रिडाइज्ड 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, अभी लिखा आपने थोड़ी देर पहले, और लीनियर स्ट्रक्चर। मैं फिर से लिखता हूं इसको, CO2 मॉलिक्यूल का अपन ने लिखा एग्जांपल, तो कार्बन लिखते हैं अपन भाई, इसके 2-4 ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ये लो भाई, इधर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दो इलेक्ट्रॉन दे दो उसको, तो ठीक है। अब कार्बन के पास सेंट्रल एटम से कितना, आपने यही तो लिखा हाइब्रिडाइजेशन कैन ओनली एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल एटम, और हाइब्रिडाइजेशन जो होता है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम। सो अच्छा वो सेंटेंस अपन ने लिखा नहीं है इसमें, पॉइंट मुझे लगा इसमें लिख दिया मैंने, फोर्थ थर्ड पॉइंट है वो, फिर अपन CO2 पे आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम, बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल एटम, बस वही होता है हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। तभी मैं आपको बोल रहा था, अब एग्जांपल आ जाता है, बॉन्ड एंगल भी बताया मैंने, सब कुछ बताया, ये लो भाई CO2
अभी अभी बना के दिखाया आपको, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, वेस्पर थ्योरी से भी बताया। कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड इधर बनेगा, तो इसमें क्या आया अपने पास, एस और पी, एसपी हाइब्रिडाइज्ड। एसपी हाइब्रिडाइजेशन आएगा अगर, तो मैं लिखूंगा दैट इज लीनियर शेप। ज्योमेट्री और शेप कोई लोन पेयर नहीं है, सेंट्रल एटम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, तो लीनियर आया ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री को लिखा हुआ है, ये लो भाई हो गया। अब अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, सेकंड बताओ मेरे पास BF3 है, इसमें क्या करें, तो अपन कहेंगे BF3 चलो बोरॉन लिखते हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, 3 होते हैं, एक एक फ्लोरीन को दे दो, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक एस से बनेगा, 2 पी से बनेंगे, sp2 हो गया हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, और बॉन्ड एंगल कितना हो गया 120। ये लो भाई आंसर आ गया। अच्छा तो फिर कोई दूसरा मॉलिक्यूल बताओ, अपन कहेंगे दूसरा मॉलिक्यूल लिख लो, हमें क्या फर्क पड़ता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल लिख के बता देंगे भाई। अब मान लेते हैं अपने पास ऐसे के बने, करना। ऑब्वियस सी बात है CO2 भी नहीं हटाऊंगा मैं तो, क्योंकि बाकी बच्चे लिख रहे होते हैं ना, वो लोग भी बोलते हैं कि सर उसको हटाओ मत। ठीक है तो अपन क्या करेंगे, थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं। अब थर्ड में अगर अपन लिखेंगे CH4, तो तुम लोग बताओ क्या होना चाहिए, है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज आया, तो हाइब्रिडाइजेशन मैंने sp2 लिखा है, sp2 आएगा तो ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर आएगा। लो भाई उसने हाइब्रिडाइजेशन भी बता दिया, वो कह रहे हैं सर कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 4 बॉन्ड होंगे तो 4 सिग्मा, मतलब sp3 आ गया, sp3 का मतलब है टेट्राडल हो गया, आपने अभी बताया कि 4 बॉन्ड बनेंगे तो टेट्राडल होगा हाइब्रिडाइजेशन के साथ, तो इसमें टेट्राडल आ गया। मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बिल्कुल टेट्राडल और sp3। अगर मान लो मेरे पास ऐसे की बने, तब क्या करोगे, तो नेगेटिव चार्ज अगर आएगा ना, तो आप बोरोन लिखो, इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज को अंदर उसी में डाल दो, एक सेंट्रल एटम में, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब बना दो 1 2 3 4, नेगेटिव चार्ज को ऐसे लिख देना, कितने सिग्मा बॉन्ड, लो भाई टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना दो इसका, वेज डिश बना के दिखाया था आपने, हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बना सकते हैं ना, तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, ऐसे बताओ NH4 पॉजिटिव, आप क्या करें, तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, आप NH4 पॉजिटिव, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, पॉजिटिव चार्ज है ना, एक हटा दो, पॉजिटिव चार्ज के लिए जैसे सेंट्रल एटम एक एक्स्ट्रा ऐड किया था ना आपने नेगेटिव चार्ज की जगह, तो एक हटा देना, हटाओगे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया अपने पास, पॉजिटिव चार्ज के लिए एक हटा देंगे ना फिर सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन। अब क्या करें, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दो, कोई डाउट है, नहीं, 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 टेट्राहेड्रल, किसी को डाउट है, नहीं,
अपन सिर्फ ज्योमेट्री की बात करेंगे। लिखो ना, ये लो बना दिया। वो कह रहा था सर पॉजिटिव चार्ज इन दिस, ऐसे बना के बाहर लिख देना पॉजिटिव चार्ज ब्रैकेट पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। अपन ब्रैकेट पे पॉजिटिव चार्ज लिख देंगे, अपन को कोई डाउट नहीं आपका। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, मेरे पास ये है, आप बताओ एसेंशियल। अपन कहेंगे कोई बात नहीं, एसएन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देना, 1 2 3 4। कितना सीएल है? 2। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 दे दो, एक लोन पेयर बच गया, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। आपने नोट में पॉइंट नंबर 2 यही लिखा था कि आप लोन पेयर को एक सिग्मा बॉन्ड जैसे काउंट करोगे। आपने यही बताया था कि एक लोन पेयर को आप एक सिग्मा बॉन्ड जैसे काउंट करोगे, ये बताया अपन को, हमने किया। तो sp2 और ज्योमेट्री क्या होगा? ट्रायंगुलर लेना। क्योंकि अगर sp2 होगा तो 3 बॉन्ड होंगे, तो ज्योमेट्री क्या आनी चाहिए उसमें? ट्रायंगुलर लेना। और एग्जाम में भी ऐसे अगर पूछेंगे ना किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो आप लिख देना, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन ऐसे नहीं बताना कि सिग्मा बॉन्ड काउंट करो हो गया, एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लिखना पड़ेगा। हाँ, ये पूछे कि हाइब्रिडाइजेशन किसका क्या है, बॉन्ड एंगल वगैरह, वो सब बताओ। जैसे ये कोई भी लोन पेयर नहीं है, 109.28 मिनट, कोई भी लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पे, ये भी अपने पास टेट्राहेड्रल था, 109.28 मिनट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये मेथड हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का स्कूल में नहीं चलेगा, ठीक है ना? लेकिन एग्जाम में अगर आए ना कि किसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है बता देना, वो तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अब दूसरा देखते हैं, ठीक, मेरे पास SO2 है, बताओ, तुम बताओ, पता तो है कैसे लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन, SO2 बताओ। सल्फर, अच्छा मैं खुद ही बताने लगा, तुमसे पूछो मैंने, वेरी गुड, सल्फर है अपने पास, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक लोन पेयर बच गया, डबल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा, एक ही होगा, और इधर एक लोन पेयर को सिग्मा बॉन्ड लेना है, sp2 बनेगा ना, sp2। अरे भाई अपन ने कहा 6 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन देने थे? 2 इसको दिए, 2 इसको दिए, और एक लोन पेयर बच गया, एक लोन पेयर को सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, और इधर डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है, तो कितने? 3 सिग्मा हुए ना, तो sp2। ये लो भाई, चलो अच्छा SO3 की बात करते हैं, SO3 को बताओ क्या होगा, वेरी गुड, ये भी sp2, वो क्यों? क्योंकि अब अपन ने फिर 6 इलेक्ट्रॉन लिखे ना, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, जिसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए दे दो, अब सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो भाई, 3 डबल बॉन्ड है तो 3 डबल बॉन्ड है तो तीनों डबल बॉन्ड में एक एक सिग्मा बॉन्ड होगा, तो sp2 हो गया, बॉन्ड एंगल अपन को पता है और ज्योमेट्री भी अपन को पता है, ठीक। अगर मेरे पास ऐसे, अब बताना तुम्हें, अब बताओ जो मैंने बताया बस वही फॉलो कर देना है, एक ही गलत आया अब तक मेरे पास,
बाकी सब सही है। चलो देखता हूं, तो सल्फर था ना, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले सिग्मा सिंगल बॉन्ड बनाया करो, क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लो एक क्लोरीन, ये एक क्लोरीन, ये दो क्लोरीन हो गए। अब एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा, और एक सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, क्या हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, ये 4 हो गए। तो 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3। लो भाई टेट्राडल हो गया इसका शेप, ज्योमेट्री sp3, ज्योमेट्री इज टेट्राडल। ये लो आ गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा देखता। मेरे पास ऐसे के बने, आप बताओ। ठीक है, सब बोल रहे हैं सर इसमें ये बन गया, इसका आपने ऑप्शन हटा दिया, हमने ऐसे लिख दिया, तो इसमें 2 लोन पेयर हो गए। तो एक दो लोन पेयर, को एक लोन पेयर को एक सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है ना, तो काउंट कर लिया हमने, ये 2 लोन पेयर थे, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और 2 सिंगल बॉन्ड बने ही हुए हैं, तो 4 हो गए टोटल सिग्मा बॉन्ड। बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। लो भाई sp3 आ गया, ज्योमेट्री यही आ गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, तुमने ये बताया मुझे। अच्छा इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तुम PCl भाई। फॉस्फोरस था, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और हर एक क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ठीक है 5 सिग्नल बॉन्ड है, 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक एस हो गया, 3 पी हो गए, 1 डी हो गया, 5 बॉन्ड बन गए। ओए sp4 नहीं होता, बताया तो था भाई, पी मतलब एक एस टाइप का हो गया बॉन्ड, एक पी टाइप का हो गया, एक और पी टाइप का, एक और पी टाइप का, एक डी टाइप का, पी के 3 ही तो ऑर्बिटल होते हैं, sp4 कहां से हो जाएगा। तो अगर ज्यादा बॉन्ड बनेंगे तो एक एस होगा, 3 पी हो गए और 1 डी हो गया, sp3d, और बनेगा क्या, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा अगर 5 बॉन्ड होंगे तो, ये तो Ab5 टाइप है ना, तो ज्योमेट्री हो गया ट्राइंगुलर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अभी भी मैंने टेबल भी बनाया था एक। चलो अच्छा बताओ इसके लिए, मैं इसको हटा रहा हूं। अच्छा मेरे पास SF6 है, बताओ इसके लिए क्या हो? चलो भाई मेरे ख्याल से सभी ने आंसर बताया, sp3d2, और ज्योमेट्री हो गया ऑक्टेट, ज्योमेट्री अपन ने लिखा ऑक्टेट है ना, ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब मुझे लगता है सबको काउंट करना आया। ठीक है, अब अगर काउंट करना आया है तो मैं एक बार चेक भी करूंगा, और उसके बाद अपन वापस चेक करेंगे कि भाई अपन को क्या करना चाहिए। चलो देखते हैं, ये देखते हैं ना, ऐसे मेरे पास, मैं आपको ना मॉलिक्यूल लिख के दे रहा हूं, अब आपको सॉल्व करके दिखाना है मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको आ गया मॉलिक्यूल, और मैं इन मॉलिक्यूल का आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछना चाहता हूं, हाइब्रिडाइजेशन, और फिर अपन उसका ज्योमेट्री लिख लेंगे। मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा क्योंकि बाद में मेरे पास फिर बहुत सारे और भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें अपन को हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री फिर लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं नंबर्स थोड़ा कम रखूंगा। चलो मेरे पास ऐसे ही बने अपन कहते हैं,
क्योंकि मैं बाद में भी एक बार सारा कुछ कंपाइल हो जाए ना अपना की स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री, फिर एक पूरा बना के अपन की उसमें बॉन्ड एंगल भी बताओ, उसमें बॉन्ड लेंथ भी बताओ, सारी चीजें बताओ, मतलब अपन उस टाइप का एक टेबल बना देंगे। अब आप बताओ मुझे। अच्छा फोर वेज कर दिया, चलो जाने दो, मतलब अच्छी बात है ना, तो लिख देते हैं नंबर, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, चलो एक और लिख देता हूँ मैं, ठीक है? तो अपन इस पर ऐसे लिख देता है, ऐसे लिख देता है, OCl2 लिख दिया फोर्थ वाला। आप पहले मतलब लिख लो अपने, और फिर अपन डिस्कस कर लेंगे। अपन एक एक को नहीं बताते हैं, क्योंकि एक एक को बताएंगे तो काफी सारे 8 मॉलिक्यूल्स हो गए ना, और सभी बताएंगे तो फिर मैं वो देखते रहूंगा चैट बस। और स्कूल के लिए जो गाइड बोला था मैंने वो ले लिया ना तुम लोगों ने, उसको ले लेना और उससे अपन डिस्कस करेंगे बोर्ड क्लास में। गाइड का फोटो किसी बच्चे ने शेयर तो किया था अपन को, मैं करता हूँ अभी कर दो। उसने मुझसे पूछा था फोटो देख के कि सर यही लेना है, नहीं मैं भी वही फोटो शेयर कर देता हूँ, या जिसने पूछा था वो शेयर कर देगा अपन को। और केमिकल बॉन्डिंग का नोट्स मैंने भेज दिया तुमको, केमिकल बॉन्डिंग का नोट्स भेज दिया मैंने, 169 पेजेस है। नहीं भेजा यार, रुको अभी देख लेता हूं, अभी देख लूंगा मैं।
हो गया, तो फाइल बड़ी होने की वजह से नहीं गया, लेकिन अभी हो जाएगा वो। ठीक, चलो ठीक है, लिखो लिखो। अच्छा वैसे नोट्स नहीं भी होंगे और जो क्लास में अपन पढ़ रहे हैं वो मोर देन सफिशियंट होगा। नोट्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा एलेबरेट होता है, ऑफलाइन में बहुत ज्यादा एलेबरेट पढ़ते हैं अपन, बट ठीक है, अभी अपन बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, वे हमको कैसे टू द पॉइंट आना चाहिए, ये बेटर है अपन को, रिविजन में थोड़ा आसान होगा। चलो देखें, जी सी एल टू है, मरकरी के दो ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एक सी एल दो सी एल, हाइब्रिडाइजेशन sp, ज्योमेट्री लीनियर, AlCl3 तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, Al के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 एक एक Cl को देंगे, तीन सिग्मा बॉन्ड आएगा, ठीक है, थ्री सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2, और sp2 मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है भाई। ICl4, ठीक है, देखते हैं ICl4 में कितना है, एडिन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7, क्या है उसमें, एक पॉजिटिव चार्ज, हटा देता हूं तो बन गया एक पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करना है, चार Cl, एक दो तीन चार, चार Cl होंगे तो एक लोन पेयर बचेगा, तो हो गया 1 2 3 4 5, मतलब sp3d, लो भाई, और sp3d का मतलब है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल है ना, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होता है, ठीक है। अब OCl2, ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6, दो Cl, Cl को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, फिर इसके पास दो लोन पेयर हैं, तब तो चार सिग्मा बॉन्ड हो गए sp3, और sp3 होगा तो मुझे टेट्राडल लिखना पड़ेगा, किसी को डाउट है, CLF3, ठीक है भाई, अभी Cl लिखता हूं, Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं, लो भाई 3F हो गए, दो लोन पेयर हो गए, 5 हो गए टोटल बॉन्ड, लो भाई sp3d आ गया, और sp3d का मतलब है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं, XeO4, जेनॉन के तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे ना, क्योंकि जेनॉन तो नोबल गैस है ना, एक ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दो, कितने सिग्मा बॉन्ड, 4, sp3, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, लो भाई हो गया। SO2F2, सल्फर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दो एक एक इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन को दो, तो दे दो, 4 सिग्मा बॉन्ड हुए, पर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है sp3, फिर sp3 आया और फिर टेट्राहेड्रल आया, ठीक है। अब क्या, SOF4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, पहले सिग्मा बॉन्ड, तो पहले फ्लोरीन लिखता हूं, 1 2 3 4 और 5, ये लो हो गए, कितने 5 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं इसमें, और 5 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो क्या लिखेंगे अपन, sp3d, और वो होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बड़ा इजी है, शेप बनाना अपन को आता है इनका, लीनियर क्या होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर क्या होता है, ये सब अपन को आता है। चलो अब देखते हैं, आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना आ गया, और हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से ज्योमेट्री बताना आ गया, ये ज्योमेट्रीज है, कहीं कहीं लोन पेयर भी आ रहा था, तो अपन ने शेप की बात ही नहीं की, शेप की बात तो करेंगे, ठीक है। अब अपन वापस चलते हैं, ये थोड़ा सा पार्ट अपन हाइब्रिडाइजेशन का पढ़ के,
अभी हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से अपन, मैंने एक्सप्लेन नहीं करके बताया, स्कूल में आएगा PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो वो तो बता दो कि आपकी sp3d है, बॉन्ड एंगल क्या है, लेकिन वहां एक्सप्लेन कैसे करते हैं वो मुझे बताना है अभी। तो मैं इसको हटा, अब अपन लिखते हैं, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट, कि अगेन वी आर राइटिंग दैट ज्योमेट्री एंड शेप, एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल विथ, जैसे AB3 अपन लिख रहे थे ना, अपन उसको दूसरे तरीके से लिख रहा था, मॉलिक्यूल विथ वन लोन पेयर एंड टू अदर एटम्स, क्योंकि AB3 में क्या हो रहा था ना, अब B को रिप्लेस करो फिर लिखो, वो इसलिए क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन नहीं था, तो मुझे लगा हाइब्रिडाइजेशन बता ही दो ना, जब इजी हो जाए बच्चों को तो और क्या चाहिए अपन को, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ले लेता, SnCl2, AbCl2, SO2, एक लोन पेयर है ना, और दो अदर एटम है, तो मैं और क्या लिख सकता हूँ, सल्फर उसी जैसे, ये दोनों एक ही ग्रुप से लिए, इसको भी एक ही ग्रुप से ले लो आप, SCO2 एक्सेट्रा लिख लो। चलो देखते हैं अब अपन क्या करेंगे, अब देखो कैसे इजी हो गया, जो पार्ट अपन लोन पेयर वगैरह अपन तो सोच रहे थे ना, ये लोन पेयर को कहाँ रखें, ये रिपल्शन क्या करें, तो अपन को बड़ा इजी हो गया, कैसे अपन लिखेंगे, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज अपन SO2 ले लेते हैं, अपनी मर्जी SnCl2 भी ले सकते हैं, एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, फॉर SO2 SO2 के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इसमें सल्फर है, 6 valence electron होता है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दो, एक लोन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ज्योमेट्री आ गई अपने पास, ट्रायंगुलर पे, ठीक है, ज्योमेट्री आ गई अपने पास ट्रायंगुलर प्लेनर। अब जो अपने पास ज्योमेट्री आ गई ना ट्रायंगुलर प्लेनर, उसमें लोन पेयर भी है, जब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होगा तो अपन को पहले से पता है कि इसकी ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस है, तो अपन कहेंगे अच्छा, लेकिन ज्योमेट्री तो बना ही देंगे अपन, क्या करेंगे सल्फर, ठीक है, अपन ने बनाया सल्फर, और ट्रायंगुलर प्लेनर का मतलब यह हो गया तीनों एक ही प्लेन में है, इसको कहते हैं अपन ट्रायंगुलर प्लेनर। अब एटम कितने हैं, 2, एक एटम ये है, एक एटम ये है, अब एक जगह खाली रह गया, एटम खत्म हो गया ना, तो अपन कहेंगे जो जगह खाली हो गई ना वही लोन पेयर है, जो जगह बच गया वही लोन पेयर है, ऐसा मैं हमेशा करूंगा, तो अपन कहेंगे ठीक है। अब इसमें ये सिंगल बॉन्ड को क्या करें, हाँ तो सिग्मा बॉन्ड है ना, आपने हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर ज्योमेट्री बताई, ज्योमेट्री के बेसिस पर मैंने ट्रायंगुलर प्लेनर लिख लिया, अब ट्रायंगुलर प्लेनर लिख लिया तो बाद में बना देना, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हुए ना, अभी यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन होगा तो ये डबल बॉन्ड हो गया, यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन होगा तो ये डबल बॉन्ड हो गया, लो भाई हो गया। अब मैं कहूंगा ये बॉन्डेड पेयर्स हैं, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है तो बॉन्डेड पेयर्स में कम हो जाएगा, तो ये थीटा हो गया, अभी थीटा क्या हो जाएगा लेस देन 120, व्हाइट एसओ, क्योंकि अभी 4 पाई बॉन्ड हो गए वो, तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे भाई एक बात है, ट्रायंगुलर प्लेनर का मतलब ऐसे था मेरे पास, सारे के सारे बॉन्ड एंगल 120 थे, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, जो होना चाहिए, लेकिन अगर इसका रिपल्शन इनसे बढ़ेगा तो ये दोनों छोटे हो जाएंगे, इधर बढ़ गया ना बॉन्ड एंगल, तो ये छोटे हो जाएंगे, तो छोटा होगा तो 120 से छोटा हो गया, अपन ने बता दिया भाई ये 120 से छोटा, वो अपने लिए स्ट्रक्चर हो गया, तो ठीक है भाई, तो बड़ा इजी है, इसका मतलब है मॉलिक्यूल लिखो, उससे उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो, हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री लिखो,
ज्योमेट्री से उसका स्ट्रक्चर बनाओ, और स्ट्रक्चर के बाद जब अदर आइटम लिखोगे तो लोन पेयर अपने आप आ जाएगा वहां पर। जैसे अपन एसेंशियल टू लिखे तो अपन कहेंगे एसेंशियल टू, अच्छा तो एसेंशियल टू में तो भाई ऐसे ना चार बैलेंस रहते हो, दो सीएलओ में एक लोन पेयर हो गया, मतलब एसपी टू, मतलब क्या आ गया अपने पास, तो अपन कहेंगे एसएन, लो भाई तीन बॉन्ड बना दो, दो सीएल हो गए, अच्छा मतलब ट्रायंगुलर एसपी टू में दो बॉन्ड बन गए, अभी एक लोन पेयर बचा हुआ है क्योंकि उसको भी तो सिग्मा बॉन्ड जैसे काउंट किया था आपने, और वो इस बॉन्ड पे ही लोन पेयर है, लो भाई थीटा लिखा, क्योंकि बॉन्डिंग इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बिटवीन द बॉन्डेड पेयर्स। अगर एबी थ्री टाइप होगा, मतलब एबी थ्री टाइप में क्या था अपने पास, तीनों पे बॉन्ड थे, तो आपने मुझे जो अभी बताया इस टाइप में वो बताया कि एक रिप्लेस करो और लोन पेयर लिखो, तो ये एग्जांपल हो गया। अगर मैं दूसरा अटैक के फिर एक और लोन पेयर लिखूं तो अपन कहेंगे पॉसिबल ही नहीं है, वो क्यों, मॉलिक्यूल तो पॉसिबल है ना, तो अपन कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल क्या बताऊंगा मैं, और जिसका बॉन्ड एंगल नहीं बता सकता उसमें ज्योमेट्री क्या बताऊं, क्यों नहीं बता सकते बॉन्ड एंगल इसमें बताओ, अपन कहेंगे गलत, बॉन्ड एंगल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बिटवीन द टू बॉन्डेड पेयर्स, इसलिए इसका ज्योमेट्री पॉसिबल ही नहीं, कम से कम दो बॉन्डेड पेयर तो लिखो तभी मैं ज्योमेट्री बता पाऊंगा। मैं ये बता सकता हूं कि दो लोन पेयर ऐसे होंगे एक बॉन्ड ऐसे होगा, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता, जैसे मान लो मैंने एचसीएल लिखा तो अपन कहेंगे देखो भाई सीएल के अराउंड तीन लोन पेयर है और एक बॉन्डेड पेयर है, मतलब मैं सीएल को एसपी थ्री जैसे बोल सकता हूं कि इसमें ये जो होंगे ना वो एसपी थ्री मतलब टेट्राहेड्रल जैसे अरेंज होंगे, लेकिन बॉन्ड एंगल की बात नहीं करना उसमें, क्यों, क्योंकि एक ही बॉन्डेड पेयर है और बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करते हैं बिटवीन द टू बॉन्डेड पेयर्स, ठीक है भाई। अपन कहेंगे इसमें इससे ज्यादा एक से ज्यादा लोन पेयर हो नहीं सकता, तो चलो दूसरा लिखते हैं मॉलिक्यूल्स विथ वन लोन पेयर, अपन ऐसे लिखते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, भाई ज्योमेट्री तो फिक्स होती है ना, लोन पेयर रहे ना रहे तो अपन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं, जैसे यहां पर आप लोन पेयर सेंट्रल एटम पे तब भी ज्योमेट्री थोड़ी चेंज कर लिया आपने, ज्योमेट्री की बात करते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब लेते हैं मॉलिक्यूल्स विथ वन लोन पेयर एंड थ्री बॉन्ड पेयर्स, ठीक है भाई, पर चार बॉन्ड पेयर होते तो एसपी थ्री हो जाता, टेट्राहेड्रल होता, एक भी लोन पेयर नहीं है, लेकिन अगर आपने लिखा है तो चलो एग्जांपल लेते हैं, इसमें एनएच थ्री सीएच थ्री नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस पीएच थ्री, ठीक है, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स अपन को मिलेंगे, फिर अपन लिखेंगे एक सी ओ थ्री, आपकी मर्जी, आप जो चाहो बता दो मुझे, नाइट्रोजन है एक दो तीन चार पांच, क्या है वहां पर कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं, एक दो तीन हाइड्रोजन हो गए, चार सिग्मा बॉन्ड एसपी थ्री टेट्राहेड्रल हो गया ना टेट्राहेड्रल, तो अपन कहेंगे अच्छा टेट्राहेड्रल चलो ऐसे बनाओ, ये लो बना दिया टेट्राहेड्रल, नाइट्रोजन है एक दो तीन और ये चार, आप ऐसे बना के दिखाते हो टेट्राहेड्रल को वेज डेस फॉर्म में, क्यों, क्योंकि सारे बॉन्डिंग आप कितने बोलते हो 109.28 मिनट्स, तो चलो अब टेट्राहेड्रल में ना एटम प्लेस करते हैं, एक दो तीन खत्म हो गए, तीन ही एटम थे, हाँ तो एक लोन पेयर का पोजिशन होगा ना, लिखा बने लोन पेयर का पोजिशन, ये लोन पेयर है, तो अपन कहेंगे देखो भाई अगर यहां लोन पेयर नहीं होता तो सारे बॉन्ड एंगल कितने थे 109.28 मिनट्स, अब लोन पेयर आया तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर बढ़ गया, तो फिर बॉन्डेड पेयर्स के बीच में एंगल क्या हो गया, छोटा हो गया, अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 होता है, छोटा सा मॉलिक्यूल है, छोटे मॉलिक्यूल में अपन को बॉन्ड एंगल भी याद रखने पड़ेंगे, जितना मैं बताऊंगा उतना तो याद रखो कम से कम,
राइट, ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इसलिए आप ऑड इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है ना। पहले अपन वो सीख लें जिसमें लोन पेयर हो, फिर ऑड इलेक्ट्रॉन मैं आपको बताऊंगा, राइट। और ऑड इलेक्ट्रॉन आए तो उसको निग्लेक्ट कर देना। अभी मैं इतना ही स्टेटमेंट आपको बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास ऐसे है, मतलब उसने पूछा है इसलिए बोल रहा हूं, नहीं बोलता भी नहीं मैं, इसको हटा देना। अब बता देना है बड़ा इशू, मतलब जो ऑड इलेक्ट्रॉन बचे उसको छोड़ देना। उसको छोड़ोगे तो आप ऐसे लिखोगे ना, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गए, इसको छोड़ने के लिए कहा था सबने, ऑड इलेक्ट्रॉन को खत्म हटा दिया, 3 sigma bond sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर खत्म हो गया। लेकिन मैं ऑड इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं कर रहा, अभी पूछेगा नहीं कोई अपन से तो क्यों फालतू में, पहले यही तो सीख लें अपन अच्छे से, है ना। फिर अपन जो मर्जी चाहे कहें, वो कुछ कुछ पार्ट में मैं इसलिए मना करता हूँ कि रुको अभी, ठीक है ना, अपन को कैसे बताना है। अब क्या था, कोई कुछ पूछ रहा था अपन से, एंगल क्या आएगा, किसका एंगल, एंगल किसका लाना है अपन को, ये 107 बताए तो ठीक है, ओके। अब एक लोन पेयर में आप सभी बता सकते, अब एंगल मतलब ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे 107 होंगे, नहीं नहीं अलग अलग हो सकते हैं, मैंने तो सिर्फ अमोनिया में बताया 107। अब अपन लिखते हैं, मान लेते हैं जैसे अपन ने एग्जांपल लिखे ना, अब ऐसे ही एग्जांपल अपन लिखते हैं इसमें सेकंड पॉइंट में बी बॉन्ड के, बी वाले में मैंने लिखा, बी वाले में फिर मॉलिक्यूल विद, इसमें अपने 1 lone pair लिखा ना, अब मैं 2 lone pair लिखूंगा क्योंकि 2 lone pair आने के बाद भी उसमें 2 bonded pairs रहेंगे, तो ठीक है, मॉलिक्यूल्स विथ 2 lone pair एंड 2 bonded pairs। भाई अगर 2 bonded pair हैं तो अपन उसमें बॉन्डिंगल तो बता ही देंगे ना, तो अपन पढ़ेंगे उसके लिए, तो एग्जांपल लिख लेते हैं भाई इसके लिए, बताओ भाई एग्जांपल, तो अपन कहेंगे H2O हो गया, OCl2 हो गया, राइट, इसमें 2 lone pair भी रखने हैं अपन को, तो अपन लिखेंगे ठीक है CO2 हो गया, 2 lone pair भी रखने हैं अपन को, HCl2 हो गया, लाइक दैट वी कैन हैव एग्जांपल, ठीक है एक्सेट्रा। अब H2O के एग्जांपल ले लेते हैं, अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन है अपने पास 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दिया, 2 lone pair आ गए, 4 sigma bond sp3 tetrahedral हो गया अपने पास। ये सारा पार्ट तो अपन लिख सकते ना, राइट, ये तो अपन लिख सकते हैं ना, राइट, तो इतना पार्ट तो अपन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको लिखने में अपन को, अब क्या करें, बनाओ टेट्राहेड्रल, तो अपन कहेंगे लोगों बना दिया, एक ऑक्सीजन है अपने पास, अब टेट्राहेड्रल कैसे बनाते हैं, ये बनाए तो आपने टेट्राहेड्रल ऐसे बनाते हैं, तो ऐसे बना दिया, ये लो भाई एक इधर बनाओगे, एक इधर बनाओगे, एक इधर बनाओगे और एक इधर बनाओगे, ये लो टेट्राहेड्रल बन गया। अब क्या करोगे, 2 hydrogen प्लेस कर दो, कर दिए, बाकी जगह लोन पे कर दिया, तो इसको क्या लिखें, जैसे अपन ने यहां पर, अब यहां पर अपन ने लिखा कि भाई ज्योमेट्री तो आपने बताई थी यहां पर टेट्राहेड्रल, लेकिन इसका शेप नहीं बोला आपने, तो अपन कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है ना, तो अपन ने कहा भाई ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल और शेप इसका बताया, ज्योमेट्री इसका टेट्राहेड्रल और शेप इसका बताओ भाई क्या होगा, तो अपन कहेंगे बताते हैं भी, देखो कैसे बनाएंगे अपन शेप, तो अपन कहेंगे देखो अगर मेरे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो ऐसे था टेट्राहेड्रल, अपन को बताते हैं कैसे बनाया था, ऐसे ही तो बनाते हैं टेट्राहेड्रल, बनाते हैं ना टेट्राहेड्रल ऐसे ही, तो अपन कहेंगे ठीक है अगर ये लोन पेयर है तो लोन पेयर को हटा लो, क्योंकि वो तो दिखता नहीं ना अपन को, ये हटाने लोन पेयर जहां पर प्लेस है ना उसको हटाने के बाद ही शेप बताना होता है, तो क्या बचा, तो अपन कहेंगे इससे ट्रायंगल बना दो और उसका पिरामिड बना दो, तो ऐसे बोल दो ट्रायंगुलर पिरामिड,
बाइपिरामिडल के नीचे भी बनना चाहिए था ना पाइपिरामिडल के लिए, तो इधर तो ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे तो ये बना लेंगे ट्रायंगुलर, और इधर जो नाइट्रोजन है ना वो नाइट्रोजन के साथ आप पिरामिड बना दो, तो इसका शेप क्या हो गया, ट्राइगोनल पिरामिड, पिरामिड ये इसका शेप। तो इसका क्या लिखे, तो अपन कहेंगे अभी बनाओ आप टेट्राहेड्रल, अभी तो बनाया था आपने टेट्राहेड्रल, तो अपन कहेंगे देखो इधर ऐसे टेट्राहेड्रल बनाया था आपने ऐसे, तो इसमें क्या करें दो बॉन्ड निकाल दो, एक ये गया एक मैंने पीछे वाला बॉन्ड निकाल दिया, तो अपन कहेंगे क्या बचा आपने पास ऐसे, या तो एंगुलर बोलो या फिर इसको बेंट बोलो जैसे आपने SnCl2 में बोला था, या तो इसको अपन एंगुलर बोल दें, भाई आपके पास ऐसे ही तो बचे बस दो बॉन्ड ऐसे बचे हुए आपके पास, अब इसको क्या बोलते हैं, तो या तो एंगुलर बोलो ये या फिर बेंट स्ट्रक्चर बोलो इसको, तो फिर इसको लिखेंगे बेंट स्ट्रक्चर है ना, या फिर एंगुलर, ये पता चल गया। अब उनसे पूछो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्राइगोनल एंड द ट्रायंगुलर, हाँ बोलो चिंता मत करो सारा कुछ बताऊंगा वेट करो, मतलब आराम से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है ना अपन को। अब अपन क्या करेंगे, ठीक है इसका बॉन्ड एंगल ही बता देता हूँ, उसने पूछा बॉन्ड एंगल कितना, लो भाई हो गया 104.5 होता है, अपन इसको 105 लिख लेते हैं, और छोटा हो गया उससे, वो क्यों, क्योंकि आपने पहले लिखा था लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन, इन दोनों के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और अगर इनके बीच में बहुत ज्यादा बॉन्डिंग के लोग रिपल्शन होगा बिकॉज दे आर लोन पेयर, और लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस, लोन पेयर जो होते हैं वो काफी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है ना इधर उधर भागते रहते, रीजन है ना वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, तो ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं लोन पेयर, तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो ये दूर होंगे, दूर जाएंगे तो किसका बॉन्ड एंगल छोटा होगा, बॉन्डेड पेयर्स के बीच में, ठीक है भाई। अब अपन लिखेंगे मतलब क्या पूछ रहा था, कोई डिफरेंस पूछ रहा था, हाँ ट्राइगोनल और मतलब ट्राइगोनल और ट्राइंगुलर, हाँ तो ट्राइंगुलर मतलब होता है सिर्फ ट्राइंगल हो उसमें और कोई शेप ना बने, और ट्राइगोनल का मतलब है कि ट्राइंगल के साथ आप कोई शेप को ऐड कर रहे हो, मतलब जैसे नीचे अपन ने एक ट्राइंगल बनाया और बाद में एक वो ब्रिज वो बना दिया पिरामिड बना दिया उससे, तो वो हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिड, एक ट्राइंगुलर ट्राइंगल बना तो इसको ये ट्राइंगल तो बन ही रहा था इन तीनों से, ये ट्राइंगल बन गया, अब उसमें अपन को पिरामिड भी बनाना है, तो अपन कहेंगे भाई ट्राइगोनल बना लो और उसमें पिरामिड है, उस पिरामिड का एक शेप ट्राइगोनल है, समझ में आया, ठीक है भाई। तो अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में इधर अगर अपने पास एक लोन पेयर आएगा एटम पे और ये ऐसे है तो अपन लिखेंगे उसको ट्राइगोनल पिरामिड, और अगर मान लो टेट्राहेड्रल में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में दो लोन पेयर हैं और दो बॉन्डेड पेयर्स हैं तो शेप विल बी द बेंट, ये लिखेंगे, समझ में आया, ठीक है भाई ये बता देंगे। अब चेक करते हैं अपन, अब इसमें एक बॉन्डेड पेयर्स का तो कोई मतलब ही नहीं यहां पर अगर अपन लिखे तो, क्योंकि एक बॉन्डेड पेयर में बॉन्ड एंगल निकाल ही नहीं सकते तो उसको पढ़ना नहीं है अपन को। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, है ना, अब अगर अपन नेक्स्ट की स्टेप बात करें तो अपन ऐसे लिखेंगे भाई देखो अपने पास आएगा फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में अपन लिखेंगे दैट इज राइट ना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तुम लिख लेना ना क्यों परेशान होते हो ऐसे नंबर्स को ना, क्योंकि मुझे इतना थोड़ी ध्यान रहता, हटा दिया तो पता नहीं कौन सा पॉइंट था, अपने आप लिख लो ना क्या प्रॉब्लम है तुमको, अब उसको भी बताओगे सर एबीसीडी भूल गया, एबीसीडी में तो गलती करूंगा मैं और 1 2 3 4 में भी करता, वही नहीं पढ़ा मैंने अच्छे से बस,
चल अपन देखते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है जैसे मान लो, बात बॉन्ड बनेगा ना पीसीएल फाइव था, एसपी थ्री डी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था, बॉन्ड एंगल्स उनको पता है 90 डिग्री एंड 120 डिग्री थे, ये बना है अपन पीसीएल फाइव में और पढ़ा भी अपन ने। अब चलो मान लेते हैं कि पांच बॉन्ड में से एक में लोन पेयर है, तो क्या करें? ज्योमेट्री तो चेंज नहीं होगा, शेप तो चेंज होगा ना, तो चलो देखते हैं क्या होता है। अपन कहेंगे ए पॉइंट लेंगे व्हेन राइट ना, देयर इज वन लोन पेयर एंड फोर बॉन्डेड पेयर्स, ठीक है। तो अब अपन एग्जांपल लिख लेते हैं, इसमें एक लोन पेयर होगा और चार बॉन्डेड पेयर्स होंगे, ठीक है भाई लिख देते हैं अपन। एग्जांपल लिख लेते हैं है ना, चलो भाई ये लो एस एफ फोर आई सी एल फोर राइट, देन वील राइट दैट एक सी, then we'll write that XCO F4 है ना, लेकिन उसमें एक लोन पेयर आ जाएगा, so XCO2 F2 दूसरा बना लेते हैं BR F4, we can write that or ठीक है, तो एक लोन पेयर भी चाहिए ना अपन को, तो ऐसे लिखते हैं एक सी ओ टू एफ टू ये लिख लिया एक्सेट्रा, ऐसे लिख लेते हैं। चलो किसी एक को बनाते हैं अपन पहले और एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करते हैं उसको, तो अपन लिखेंगे चलो इसी से एग्जांपल ले लेते हैं फिर बाकी सबको बना लेंगे अपन। मेरे पास एस एफ फोर है ना, तो एस एफ फोर का मतलब है सल्फर के छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए और एक लोन पेयर sp3 d है ना, और अगर sp3 d होगा तो अपन क्या लिखेंगे उसको, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इज अब वो तो वैसे लिखा ही हुआ है आपने कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बताने वाले हैं। अब आप बताओ कि लिखना कैसे है, तो अपन ने लिखा सल्फर, मैं ये वाले पार्ट हटा देता हूं, ये आपने लिख लिया होगा बॉन्डिंग, एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड चार बॉन्ड ये पांच बॉन्ड राइट। अब एक बात को ध्यान रखो, मैंने आपको यहां भी बताया था लोन पेयर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, तो लोन पेयर को हमेशा वहां रखो जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा हो, क्योंकि जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होंगे वहां क्या होगा, ज्यादा दूर दूर एटम हो जाएंगे, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो मतलब ऐसे हो जाएगा जैसे सेंट्रल एटम से ये दोनों बॉन्ड बन रहे हैं, तो अगर बल्की एटम या लोन पेयर है तो वहां रख देते हैं जब बॉन्ड एंगल ज्यादा हो, क्योंकि जितना ज्यादा ये दूर रहेंगे उतना कम इनमें इंटरेक्शन होगा, पास होंगे तो क्या होगा, तो अगर 90 डिग्री पे रखूंगा तो इन दोनों में डिस्टेंस कम होगा ना, और अगर 120 पे रखा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसलिए लोन पेयर को तो मैं ज्यादा बॉन्ड एंगल पे ही रखूंगा, और चार बॉन्डेड पेयर्स हैं तो बॉन्डेड पेयर्स को कम बॉन्ड एंगल पे रखो। तो अपन ने इसमें दो टाइप के बॉन्ड एंगल पढ़े थे, एक 90 पढ़ा था एक 120 पढ़ा था, तो जहां पर 120 है वहां पर आप क्या रख दो, लोन पेयर रख दो, रख दिया, ये इन तीनों के बीच में 120 था ना इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, बाकी चारों जगह क्या होगा फ्लोरीन, लिख दिया फ्लोरीन हमेशा। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं ना कि भाई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में तो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ही 120 होते हैं, तो हमेशा लोन पेयर को अपन इक्वेटोरियल पे ही रखेंगे, बिल्कुल मैं तो ऐसे भी बोल सकता हूं,
कि बॉन्ड लोन पेयर हमेशा वहां रखा जाएगा जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो ठीक है, अपन बॉन्ड एंगल जहां पर ज्यादा है, इसमें दो टाइप के बॉन्ड एंगल आपने बताए थे, एक तो बताया था 90 और एक बताया था आपने 120। ये बताया था आपने 90 और ये बताया था आपने 120, लेकिन अब वो 90 और 120 नहीं होंगे, अब वो चेंज हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। तो ये जो होंगे ना एफ, ये थोड़ा सा एफ जो होगा ना वो ऐसे हो जाएंगे, ये इस इधर की तरफ आ जाएंगे, इधर की तरफ आ जाएंगे। बस जैसे पहले ना ऐसे थे स्ट्रेट लाइन में, तो इधर लोन पेयर नहीं, इधर अब लोन पेयर आ गया, क्योंकि यहां पहले लोन पेयर नहीं था ना, बॉन्ड था, इधर ऐसे ट्राइंगल थे। तो अब क्या हो रहा है, अब यहां लोन पेयर आ गया, लोन पेयर आया तो बॉन्ड एंगल बढ़ा, थोड़ा सा ऐसे बढ़ा, थोड़े से, मतलब 90 होगा तो 87 हो जाएगा, 87 उसका एग्जैक्ट है, बट एग्जैक्ट अपन को याद नहीं रखना, ध्यान रखना। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि सेंट्रल आइटम पर लोन पेयर आया, सारे बॉन्ड एंगल डिस्टर्ब होने वाले, ये दोनों 120 से छोटे हो जाएंगे, ये 90 से छोटा हो जाएगा। वो क्यों हुआ? क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन द रिपल्शन बिटवीन द बॉन्ड एंड पेयर्स। बॉन्ड एंगल जब भी लोन पेयर आएगा ना, तो अपन को पता होना चाहिए वहां पर चेंज होने वाले हैं बॉन्ड एंगल्स। अब अपन कहेंगे ठीक है, बॉन्ड एंगल चेंज हो गए क्योंकि एक लोन पेयर आ गया। पहले अपने पास स्ट्रक्चर ऐसे था भाई, दो ऐसे थे, एक इधर था ऐसे और एक इधर था ऐसे, और एक बनने ऐसे बना रखा था, ऐसे स्ट्रक्चर था अपने पास पहले। अब क्या हुआ, इधर लोन पेयर आ गया, इसकी जगह लोन पेयर लिखा तो इसका रिपल्शन और इसका रिपल्शन बढ़ गया, कि थोड़ा उधर को, अब थोड़ा तो इधर भी रिपल्शन होगा, तो इसमें बॉन्ड एंगल कम किया ना अपन ने, 170 लिखा तो इधर, हाँ तो ये 90 जो बन रहा था वो 90 से छोटा कर दिया ना अपन ने, 87 लिखा ना। अब लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस, तो अपन को पता, अब शेप की बात करते हैं, इसको हटा लो, इसको हटा लोगे तो क्या बचा अपने पास, क्या दिख रहा है आपको? अच्छा ये तो वैसे बन गया ना जो पार्क में झूला होता है, इधर तुम बैठो इधर मैं बैठो ऐसे ऊपर नीचे, क्या बोलते हैं उसको, शीशा शेप बन गया ना, शीशा। तो अपन क्या कहेंगे, ये दोनों बॉन्ड्स हो गए और ये स्ट्रेट लाइन, तो अपन क्या करेंगे, इसका शेप बोलेंगे, द शेप इज, इसका जो शेप बना, द शेप इज शीशा शेप। लो भाई मैंने इसका शेप, ये इसका शेप हो गया शीशा शेप। तो अपन ना एक लोन पेयर पे ही रुक जाते हैं, नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे, नहीं ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, कैसे रहेगा स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा छोटा हो गया ना बॉन्डिंग के, राइट। तो अपन यहां रुक जाते हैं, इसके आगे पर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू कर लेंगे। पिरामिड टाइप नहीं हो गया अभी, ये वाला बॉन्ड नहीं, मुझे साइड में लगा दिया, चलो ये हट गया ना बेटा, तो पिरामिड कैसे बनेगा, इधर कहीं पिरामिड बन ही नहीं सकता। अगर यहां कहीं से हटाते अपन तो कहते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड बन गया, वो ऐसे नहीं, तो इट इज नॉट पिरामिड टाइप, ठीक। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, ओके वेलकम एवरीबॉडी, थैंक यू, बाय बाय बाय।